मतलब कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जिसमें कि कुछ खास अपडेट आते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही रूमर के बारे में बात करने वाले हैं, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन हो सकता है इस बड़ी लेवल की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो एवरीथिंग, सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बट उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। तो जाके पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर, इसकी मतलब स्टोरी इतनी कमाल की है, क्या कहने। डॉक्टर डूम आते हैं भाई साहब, अलग से एक प्लेनेट बना देते हैं जिसमें कि सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर फिर लड़ते हैं। डॉक्टर डूम हार जाता है, कैंग भी बुरी तरीके से हार जाता है और एवेंजर्स विनर हो जाते हैं। हमने कॉमिक बुक में तो ऐसा देखा है, बट मूवीज में क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि मार्वल हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करता है। तो अब इतना बड़ा लेवल का कुछ स्टोरी प्लॉट है तो इतना बड़ा डायरेक्टर तो चाहिए। तो कौन हो सकता है? तो अभी हाल ही में कुछ महान व्यक्ति आपस में चर्चा करने बैठे, जिसका नाम है द वीकली ब्रॉडकास्ट। और उसमें अपडेट यही आया, उन्होंने चर्चा करी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को डायरेक्ट कर सकते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के डायरेक्टर रियान कुगलर। रियान कुगलर ने ब्लैक पैंथर मूवी बनाकर और वकांडा फॉरएवर जैसी मूवी बनाकर तो साबित कर ही दिया है। और वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर देख के तो मुझे लगता है कि हाँ, मूवी बहुत अच्छे लेवल की होने वाली है। और इनको अगर सीक्रेट वॉर मूवी दी जाए, जैसा कि अपडेट्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं, तो लिटरली मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन इस मूवी को डायरेक्ट करने लायक डायरेक्टर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। We're in the end game now.